देखिए साथियों, जैन मंदिर बौना पोखर महावीर जन्मस्थली का है, प्राहा टाइप का है। ये लालगंज बाजार बस स्टैंड, लालगंज पोस्ट ऑफिस, ये लालगंज होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं वैशाली की तरफ। ऑटो रिक्शे में हैं। जैतपुर चौराहा होते हुए आगे बढ़ रहे हैं वैशाली की तरफ। ये गांव देहात जैसे ये सड़कें हैं, थोड़ा रोड अच्छा बना हुआ है, चौड़ी रोड है। यहाँ हम आपको दिखा सकते हैं, ये रोड चौड़ा है, वैशाली की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। देखिए ये देखिए, हम अभिषेक कुकर्णी महावीर जन्मस्थली की तरफ बढ़ रहे हैं आगे आगे। यहाँ से लगभग अनुमानित दूरी लगभग 17-18 किलोमीटर रह गया है। भगवानपुर होते हुए हम लोग जा रहे हैं। ये सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है, लिखा हुआ है भगवानपुर रत्ती। ये देखिए भगवानपुर रत्ती लिखा हुआ है, रत्ती चौराहा है। हम इससे अभी सीधे दाएं चलना है, बाएं? अच्छा, यहाँ से बाएं मुड़ना है ये चौराहे से। एक यहाँ पर देखिए गेट बना हुआ है, ये इस पर धम्म चक्र लिखा हुआ है, ऊपर कुछ और झंडे लगे हुए हैं। आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 22वां राज्य स्तरीय राज विशाल गढ़ वैशाली स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैशाली है। यहाँ पर कुछ ये देखिए कार्यालय सब लिखा गया। हम वैशाली के करीब में हैं, जिला वैशाली। स्टेशन में जाने का रास्ता है, वैशाली थाना का है सामने, वैशाली बाजार भी है यहाँ पर। ये कोई रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से बताया जाता है 2 किलोमीटर और आगे है। यहाँ पर एक होर्डिंग लगा हुआ है, जैन मंदिर बौना पोखरा भगवान महावीर स्थली, ये वैशाली भी लिखा गया है यहाँ पर। राजा वैशालीगढ़ पर्यटक सूचना केंद्र ये बनाया जा रहा है, अभी चालू नहीं है। वैशाली पहुंच चुके हैं, अभी जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए गेट बनाया गया है, बहुत सुंदर गेट है, ये आप देख सकते हैं। बोर्डिंग लगाया गया है, अभिषेक पुष्करणी पथ वियतनाम बियपसना केंद्र, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, सह स्मृति स्तूप, अभिषेक पुष्करणी सरोवर, विश्व शांति स्तूप वैशाली। विपसना ध्यान केंद्र है। साथियों, हम वैशाली में आ चुके हैं। वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ है और भगवान महावीर के जन्म स्थान भी बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने 3 बार इस जगह का दौरा किया है और यह काफ़ी समय बिताया। बुद्ध ने वैशाली में अपना आखिरी प्रवचन भी दिया और यहां अपने निर्वाण की घोषणा की। उनकी मृत्यु के बाद वैशाली ने दूसरी बौद्ध परिषद की आयोजित की गई, ऐसा बताया जाता है। और हम आगे अभी चल रहे हैं जहां पर महान सम्राट अशोक का एक लॉट बनाया गया है, उसको भी अभी हम देखते हैं। हम चल रहे हैं वैशाली की, ये देखिए यहाँ पर एक शांति स्तूप बनाया गया है। और तो हम इस वक्त वैशाली में हैं। यहाँ पर देखिए ये अभी यहाँ लिखा गया है बुद्ध अस्थि कलश स्तूप। यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये है आपका, हम वैशाली में हैं। यहाँ पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा अनावरण यहाँ किया गया है, किसके द्वारा वहाँ लिखा है। इधर से बंद है, नहीं तो खोला जा सकता था। ये आप देखिए यहाँ पर बहुत कुटीर भिक्षु निवास वैशाली, पहले जो था ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी रह सकते हैं। सब किया हुआ ही नहीं। अरे उस बुद्ध विहार को हमको रुकने बोला था। भंथे कौंडिन्य
संस्थापक बुद्ध कुटी वैशाली बिहार, 2 जनवरी 1929, जन्म पर निर्माण 23 नवंबर 2013। गुरुजी का ये गुरुजी है, इन्हीं के द्वारा यह प्रतिमा स्थापित उन्हीं के द्वारा कराया गया है। अच्छा 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 ये हम दिखा रहे हैं तथागत बुद्ध की प्रतिमा अनावरण, बुद्ध कुटी अभिषेक, पुष्प करड़ी, खरौना पोखर, जिला वैशाली। उद्घाटनकर्ता राम जी लाल सुमन, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। मुख्य अतिथि माननीय श्रवण कुमार, ग्राम विकास मंत्री बिहार सरकार। अध्यक्षता भदंत छलांग महाथेरा, प्रभारी थाई मंदिर वैशाली। भदंत ज्ञान रत्न महाथेरा, प्रदेश सचिव ऑल इंडिया भिक्खु महासंघ उत्तर प्रदेश। विशेष अतिथि बांगो डिस्की, बांगो डिस्की USA। अतिथि नाडिया थाईलैंड। मूर्तिकार वाट खाउरे। संरक्षक प्रभारी श्रीकांत सिंह, श्रीमती बबली, ज्ञानेश्वर मौर्य। संरक्षक जितेंद्र मौर्य, सुपुत्र चौधरी रामगोपाल, श्रीमती मीरा देवी, पूर्व पार्षद। ये हम दिखा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा यह प्रतिमा स्थापित किया गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत नाम रोशन कर रहे हो भीख मांगकर विदेशियों के सामने, अपने भारत का नाम रोशन कर रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती है? ये यहाँ पर चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है भारत सरकार सूचना उद्यान के पा के घास पर चलना यूँ व्यायाम करना मना है, फूल तोड़ना मना है। अच्छी बात है ये। और हम देखिए मार्च का महीना है, यहाँ पर देखिए धूप में देखिए चेहरे को ढके हुए हैं। और ये हम आपको दिखा, ये थोड़ा छाया है, बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर निर्मित स्तूप। यह स्तूप भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर बने 8 मौलिक स्तूपों में से एक है। बौद्ध मान्यता के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कुशीनगर के मल्लों द्वारा उनके शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया तथा अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग वैशाली के लिच्छवियों को भी मिला था। शेष 7 भाग मगध नरेश अज्ञात शत्रु कपिलवस्तु के साक्य अलकप के बुली राम ग्राम के कोलिए बेठ द्वीप के एक ब्राह्मण तथा पावा एवं कुशीनगर के मल्लों को प्राप्त हुए थे। मूलतः यह 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में निर्मित 8.07 मीटर व्यास वाला मिट्टी का एक छोटा सा स्तूप था। मौर्य शुंग व कुषाण कालों में पक्की ईंटों से आच्छादित करके 4 चरणों में इसका परिवर्धन किया गया, जिसमें स्तूप का व्यास बढ़कर लगभग 12.00 मीटर हो गया। स्तूप के पूर्वी व दक्षिणी भाग में निर्मित आयक समता अब तक प्राप्त आयक पट्टों के प्राचीनतम उदाहरण है। इस स्तूप का उत्खनन काशी प्रसाद देसवाल शोध संस्थान पटना द्वारा 1998 ईस्वी में किया गया था। उत्खनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि केंद्र के निकट मिली एक प्रस्तर मनजूसा है, जिसमें राख युक्त मिट्टी के अतिरिक्त एक कौड़ी कांच के 2 मड़के सोने की पत्ती का टुकड़ा तथा ताबे की एक आहत मुद्रा प्राप्त हुई है। हम आगे चल रहे हैं, यहाँ देखिए एक भंते जी थाईलैंड से हैं,
हम उस जगह पर चल रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा है, घना है, ये चारों तरफ देखिए पार्क जैसा बनाया गया है, फूल पत्ती भी है, और सामने भगवान बुद्ध की अस्थि रखी हुई बताया जाता है। हम उसी जगह पर चल रहे हैं, उसी का दर्शन करने के लोग यहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं। और हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, और थोड़ा धूप है, मार्च का आज आपका 18 मार्च है 2024, और कड़ी धूप नज़र आ रही है। और इधर हम कैमरा आपको घुमा के दिखा रहे हैं, कुछ यहाँ पर शांति स्तूपा जैसा कुछ बनाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, अभी निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये हम दिखा रहे हैं, वैशाली है, ज़िला वैशाली बिहार, और हम इस जगह पर आ गए हैं। ये यहीं पर भगवान बुद्ध की ये स्तूप राख रखी गई है, ये यही जगह बताया जाता है कोलियों द्वारा, ये संरक्षित किया गया है, और इसकी डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है क्योंकि जंग लग गए हैं। और हम थोड़ा घूम के दिखा रहे हैं इसको, आपको यहाँ ले चल रहे हैं, दिखाइए ये यहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थि का अवशेष रखा गया है यहाँ पर। जब भगवान बुद्ध की अस्थि 8 भागों में बांटा गया था, ये वही जगह है। इसको संरक्षित के लिए टीने से इसको छाया गया, साजन बनाया गया है ताकि सुरक्षित रहे। और तरफ से आपको दिखा रहे हैं, सामने सूरज की रोशनी है।